अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में होंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखें और हंसता खेलता रखे, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने की वजह एक खुशखबरी आपको देना था। खुशखबरी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले तो ये वजह वीडियो बनाने की मेरी ये है कि एक हदीस है अल्लाह के नबी की। वो हदीस का मफहूम यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इंसान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक कि वो शख्स जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने भाई के लिए पसंद करे। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए ना तो दुख चाहे, ना तो दर्द चाहे, ना तो कोई हमको धोखा दे, ये हम कभी भी नहीं चाह रहे। कोई हमसे फरेब करे, ये हम कभी भी नहीं चाह रहे। ये हम अपने आप के लिए ना तो डिप्रेशन चाह रहे, ना तो टेंशन चाह रहे, ना तो दुख चाह रहे, ना तो दर्द चाह रहे। तो सिमिलरली हम भी हमारे भाई के लिए ऐसा ही चाहना। और मिसाल के तौर पर हम अगर अच्छा कमा रहे तो हमारे भाई के लिए भी हम उसका अच्छा चाहना, ये बहुत बेहतरीन हदीस है। और माशाल्लाह ये हदीस को जो है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक समथिंग मैं मिस कर रहा हूँ उसमें जो है इस हदीस को कोट किया जाता। इसकी वजह से जो है कईयों माहिरीन अल्लाह के नबी की जो असाहत थी और अल्लाह के नबी की जो दूरंदेशी थी और अल्लाह के नबी की जो सोचने की एबिलिटी थी उसको जो है इस हदीस की वजह से बहुत बहुत सराहते हैं। ये एक बात हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ दिन पहले मैंने दो वीडियोस डाले इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से। एक तो है इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड जो हमारे हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद स्टोर के नाम से बंदा पैसे ले लेके राइट होगा। दूसरा है ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, 80 से 1 करोड़ का फ्रॉड ऑनलाइन हुआ चंद नौजवानों के साथ हमारे हैदराबाद में। एक दो वीडियोस में इसके ताल्लुक से बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भाया हैं और हमारे जो उम्मत है, उम्मत के लोग हैं, लाइल्मी का शिकार हैं और उनको पता नहीं क्या करना है, कैसा करना है, इसीलिए ऐसे गलत चीज़ों में अपना पैसा डाल के गवा दे रहे। तो मैं ये सोचा कि अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह एक स्किल है, वो स्किल है स्टॉक ट्रेडिंग, हलाल स्टॉक ट्रेडिंग। तकरीबन मैं ये ट्रेडिंग जो है अल्लाह के फजलो करम से पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, और अच्छा खासा जो भी प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा इंशाल्लाह ताला मैं एंड ऑफ द मंथ जो है प्रॉफिट होकर निकलता हूँ। तो इससे पहले मैंने 1-2 साल पहले नॉन आइडेंटिकल चैनल इसके ऊपर बनाया था, लेकिन किसी वजह से उसको बंद करना पड़ा मुझे। लेकिन मैं ये सोचा कि चलो भाई अपने पास स्किल है तो क्यों ना अपने भाइयों को जो भी मैं करता हूँ ऑनलाइन जिससे मुझे पैसे आते हैं, ये मेरी सेकेंडरी इनकम है। फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज़ माय सेकेंडरी इनकम, और ये पैसिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम नहीं है। ये ना तो मैं इसमें जॉब करता हूँ ना तो इसका एक्सपर्ट हूँ मैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं ट्रेड्स लेता हूँ। और हलाल ट्रेडिंग यानी कि शरिया कॉम्प्लाइंट ट्रेडिंग, यानी कि जो हलाल स्टॉक्स है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, और FNS वगैरह भी मैं नहीं करता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि बिल्कुल हराम चीज़ है। उलमा इकराम टोटली इसको हराम करार दिए है, और ये बेसिकली ये जुआ है, इससे हमको बचना है। और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ज़्यादातर उलमा इकराम इससे भी बचने को कहते हैं। हम इंशाल्लाह ताला क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो मैं ये सोचा कि जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ और जो भी जो है हलाल स्टॉक्स मैं ट्रेड करता हूँ जिससे मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी आता है वो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी उससे सीखें और थोड़ा बहुत कमा सके ऑनलाइन। मैं जो भी करता हूँ इंशाल्लाह ताला आज से उसको शेयर करूँगा, ताकि हमारी उम्मत में जो अल्लाह के नबी की हदीस है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी उम्मत जो है स्ट्रांग बने फाइनेंशियली भी। उसके लिए
ये एक सेकेंडरी इनकम है मेरी, पर प्राइमरी इनकम तो मेरी जॉब है। वो तो मैं सुबह से शाम तक उसके लिए डेडिकेटेडली काम करता हूँ। शाम के वक्त में जो भी वक्त निकलता है उसमें से थोड़ा वक्त निकाल कर मैं एनालिसिस वगैरह करके ट्रेड्स वगैरह की पूरी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। ये तकरीबन मैं 5 साल से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो हर एक ट्रेड में मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि जो है स्टॉक मार्केट कैसा काम करती, स्टॉक मार्केट में हलाल क्या है हराम क्या है। इंशाल्लाह ताला बारी बारी वो भी मैं अपने वीडियोस में शेयर करता जाऊँगा ताकि आप भी वो सीख सके। और मेरे चैनल के अलावा हमारे यूट्यूब में दुनिया के ऐसे चैनल्स है जिसमें जो है स्टॉक को कैसा आइडेंटिफाई करना, कैंडल स्टिक्स किसको बोलते और जो है ट्रेड कैसा लेना, ब्रोकर्स किसको बोलते, एनालिसिस क्या क्या होती है, कौन सी एनालिसिस कैसा करना, क्या है क्या नहीं, सब आपको जो है पूरी पूरी हर एक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद आपका सामने जीता जागता बंदा हूँ, मैंने ना तो कोर्स ख़रीदा कुछ, और लोग बोलेंगे आपको इतने पैसे दे दो हम आपको सिखाएंगे, इतने पैसे दे दो, नहीं, हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पे जिंदा अवेलेबल है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होना है आप सीख सकते हैं, खाली सर्च क्वेरी में मारिए आप, इंशाल्लाह ताला उसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। कमिंग टू शरिया कंप्लाइंट, क्योंकि हमारा हम एज ए मुस्लिम है, हम मोमिन है, हमको हलाल हराम की जो है शनाख्त रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हराम का लुकमा एक भी हमारे पेट में चलेगा तो आपको पता है कि वो गुनाह कराए तक नहीं छोड़ता, और जो है 40 दिन की इबादत हमारी कबूल नहीं होती। तो हमको हलाल क्या है हराम क्या है इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट में कैसा है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स रहते, उसमें से तकरीबन 4000 स्टॉक्स तो आपको क्लियर कट हराम है, और आपको सिर्फ 1000 स्टॉक की विंडो है जिसमें आप, वो भी चेंज होता रहता वक्त के एतबार से। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक कैसा एनालाइज करना और कब स्टॉक हराम होता है, कब हलाल होता है, क्या है उसके पैरामीटर्स, मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसी वक्त भी समझना है तो बहुत ऐसे चैनल्स मौजूद है जो इसकी आपको तालीम दे रहे थे। इंशाल्लाह ताला अगर आपको फिर भी मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह होना है तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं शेयर करूँगा वीडियोस के ज़रिए से। तो ये तो हो गई इसकी बात, हलाल स्टॉक्स की बात, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ हलाल वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। FNOs, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारे चीज़ों से मैं अवॉइड करता हूँ, ये क्योंकि इसमें खबात है। 1 थिंग, नंबर 2, आपको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बोल दूँ कि ये एक बड़ा सेंसिटिव बिजनेस है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें सब्र है, जिसमें तहम्मुल है, जो बंदा जो है लंबी रेस का घोड़ा है वही स्टॉक मार्केट में आना, और जिसका BP हाई हो जाता, थोड़ी थोड़ी बात को गुस्सा आ जाता और जो है लॉस नहीं देख सकता, और जो बंदा अपने आप से बहुत सेंसिटिव है वो बंदे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो दूर रहे। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, इसमें अगर आप मेरे वीडियोस देख के अगर आप विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट एनी एजुकेशन अगर आप इसमें कूदेंगे तो ज़रूर बस ज़रूर देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट यू विल लूज़ ऑल योर मनी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत रिस्की बिजनेस है और इसको बहुत रिसर्च और बहुत एजुकेशन और बहुत इसकी ज़रूरत है। अगर आपको ट्राई करना है तो छोटे अमाउंट से आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि जो है आपको सीखना है सबसे पहले 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये से आप सीखना, और उसमें भी आप दो तीन साल अपने लगाना, उसके बाद जैसा ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद आप बड़ा पैसा इसमें लगा सकते हैं, जब तक कि आप इसमें इससे दूर रहना। ये एक चीज़, नंबर 1 डिस्क्लेमर। दूसरा, मैं ये फील्ड का एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सीखा हूँ हर चीज़, क्योंकि मेरे को एक सेकेंडरी सोर्स बनाना था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको बना चुका हूँ, मैं वो सीख चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस के वजह से।
क्योंकि ना तो मेरी ये फील्ड है, मैं साइंस का फील्ड का हूँ, और ये टोटली ये कॉमर्स की फील्ड है, इकोनॉमिक्स की फील्ड है, करंट अफेयर्स की फील्ड है। इसमें आपको जो है तमाम बिजनेसेस और तमाम जो है न्यूज़ और हर एक चीज़ से आपको जो है चौकन्ना रहना पड़ता, अवेयर रहना पड़ता, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते, वरना आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ट्रेड भी करेंगे तो विदाउट रिसर्च वो एक जुए की तरह हो जाता। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है, मैं कुछ भी शेयर्स अपने तरफ से ना तो रिकमेंड करूँगा, ना तो आपको बाई करने के लिए बोलूँगा, ना तो आपको सेल करने के लिए बोलूँगा। मैं सिर्फ जो मैं करता हूँ ऑनलाइन, जिससे मुझे पैसा आता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उसको सीख के, अगर आप वो एबिलिटी के हैं तो आप भी उससे पैसा कमाएं, फ़ायदा उठाएं। खुलासा ये है मेरी बात का कि मैं अपने दिल से जो भी मैं करता हूँ ऑनलाइन, जिससे मुझे पैसा आता है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अब से मेरे चैनल पर। आप उसको देखिए और फ़ायदा उठाइए उससे, और सीखना पड़ता है इसमें, और अच्छी मेहनत लगती है आपको, जो है 1 से 2 साल इसमें खपाना पड़ता, तब जाके आपको जो है रिजल्ट दिखेंगे। कईयों लोग उनको डायरेक्शन नहीं है किस तरह करना, स्टार्ट करना चाह रहे लेकिन स्टार्ट नहीं कर सक रहे। मेरे खुद के भाई हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं ये चीज़ करता हूँ, और वो लोगों ने भी मुझे बहुत बार पूछा है, और मेरे दोस्त भी बहुत पूछते हैं इस बारे में। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने चैनल के थ्रू ही स्टार्ट करूँ मैं, ताकि जो लोग मेरे से सीखना चाह रहे वो लोग जो है कुछ ना कुछ अर्न कर सके। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, मकसद ये है कि गुमराही का शिकार है हमारी उम्मत, और विदाउट नॉलेज, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट रिसर्च, दे आर इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली इनटू वेरियस रिसोर्सेस, एंड आफ्टर दैट आपको तो पता ही अंजाम क्या हो रहा। मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस मामले में, और यही मकसद है कि हमारी उम्मत का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, लोगों का फ़ायदा हो जाए, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सके, और इसी के साथ साथ जो है हम ग्रो हो, हमारी सोसाइटी ग्रो हो, हमारी कम्युनिटी ग्रो हो, और वी ऑल कैन ग्रो। और साइमल्टेनियसली हम जब इन्वेस्ट करेंगे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे, यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। दैट इज़ द रियल मोटो ऑफ दिस, क्योंकि आपका पैसा जो है उस कंपनी पर जाएगा जो कंपनी इंडिया के प्रोडक्ट्स बनाएगी। अगर वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपना माल बाहर के कंट्री में, बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रो होगी। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन हो सकता हमारे इंडिया के लिए। तो ये एक चीज़ है, और बहुत दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि इसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। कॉन्स ये है कि पूरे आके मेरे को लपट जाओ को, खाली मेरे से देखो और मेरे वीडियोस वगैरह जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसको देखो, और जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको होना है, जो भी मैं बोलता हूँ इस वीडियो में, अगर उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जानना है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलते हैं, पी रेशियो किसको बोलते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो किसको बोलते हैं, तो उसका हर एक डेफिनेशन आपको इंटरनेट पर मौजूद है। आप जाके स्क्रैच लेवल से, बेसिक लेवल से आप सीख सकते। तो बेसिक लेवल के वीडियोस तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ना बनाऊँ, क्योंकि फर्कों सैकड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और हलाल हराम से रिलेटेड, शरिया कंप्लाइंस से रिलेटेड वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला वो बनाऊँगा, क्योंकि ये कॉन्टेंट बहुत लेस है। और FNOs दूर रहिए, आप भी दूर रहिए, क्योंकि सट्टा है, जुआ है, ऑप्शंस दूर रहिए, फ्यूचर्स दूर रहिए, FNOs का मतलब क्रिप्टो करेंसी दूर रहिए, क्योंकि इसकी हकीकत अभी तक मालूम नहीं हुई। जब हकीकत मालूम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम भी इन्वेस्ट करेंगे इसमें। ये चीज़ है। और बाहर का स्टॉक मार्केट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि US की मार्केट है जो कि 7 बजे खुलती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो है रात भर जगना पड़ता उसको ट्रैक करने के वास्ते। यूरोपियन मार्केट से, एशियन मार्केट से, जैसे चाइना की मार्केट है, सिंगापुर की मार्केट है, उससे भी आप कमा सकते हैं, उसके भी तरीके हैं।
लेकिन उसमें एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी और फिर अपने वक्त को भी ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि फिर आपको लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका पर्सनल टाइम और आपका प्रोफेशनल टाइम। तो बेस्ट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये ग्रो कर रही है, ग्रो पिछले एक डेकेड से जब से कोरोना आया जो है, जब स्टॉक मार्केट का लोअर सर्किट गिरा था उससे अब तक जो है दुनिया का ग्रो हो चुकी है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त इतना पोटेंशियल है जो आपको बहुत कमा कर दे सकता है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो भी मैं कमाता हूँ ऑनलाइन वो आपसे शेयर करूँगा ताकि आप भी सीख सकें। ये तो हो गई स्टॉक मार्केट की बात, इसके साथ साथ हमारे कुरान की वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगी और हदीस के वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगे। कुरान की जैसा भी है मैं सीखता हूँ और जैसा भी मैं जो है अपने अस्बाक मुकम्मल करता हूँ उसी के साथ साथ जो भी मैं सिखाऊँ वो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग डाल दूँगा। और हदीस की तो हर दो या तीन दिन को आ जा रही एक वीडियो, वो तो चलते रहेंगे। और साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स है जिससे भी हम सीख सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं, ये सारे चीज़ें मैं जो है, ये मेरा जो चैनल है वो एक विंडो है जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। इट्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड यू गाइस, दैट्स इट। उतना ही है बस, उससे हटके और कुछ नहीं है। देखेंगे ये सफ़र कहाँ तक जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाइए और जो लोग इसके मुस्तहिक है उस तक आप पहुँचा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी बैक इन द अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।